हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने मोबाइल से एक गेमिंग इंट्रो बना सकते हो प्रोफेशनल तरीके से। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आप आसानी से सीख जाओगे किस तरह से आप जो है अपने मोबाइल से एक गेमिंग इंट्रो बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है विशाल सिंह। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इस चैनल पर यूट्यूब से जुड़ी हुई वीडियो आता रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आपको तीन चीज़ें डाउनलोड करनी है, एक ऑडियो और दूसरा दो चीज़ होता है वो जो है इंट्रो। उसके बाद जो है आपको मैं काइन मास्टर ऐप पर ले जाकर एडिट करके दिखाऊंगा किस तरह से आप बना पाओगे एक गेमिंग इंट्रो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो दोस्तों, मैंने जो है काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। आपको क्या करना है, आपको बीच में प्लस के आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको 16:9 सिलेक्ट कर लेना है, आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद साइड में आपको मीडिया के ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऊपर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद इसे आपको इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों आपको फिर से आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों अभी जो है आप लोगों ने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो एनिमे इंट्रो डाउनलोड किया है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको लेयर पर जाना है, उसके बाद आपको मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपके जिस फोल्डर में डाउनलोड हुआ है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसे आपको फुल स्क्रीन करना है। फुल स्क्रीन करने के लिए दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपके जो है यहाँ पर फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और इंट्रो जो है उसे भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों फिर से लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे भी आपको फुल स्क्रीन करना है। उसके लिए फिर से यहाँ पर जाकर मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फुल स्क्रीन कर लिया है। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके दिखा रहा हूँ अभी किस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी जो है आपके सामने इस तरह से दिखाई दे रहा है, देख सकते आप लोग। आप लोगों को अभी क्या करना है, आपने जो लास्ट में जो इंट्रो को ऐड किया है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको साइड में बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको नीचे जाना है। सबसे नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग, देख सकते हैं आप लोग, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको स्क्रीन का, देख सकते हैं आप लोग, उस पर स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको टिक कर देना है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग अभी आपके सामने किस तरह से दिखाई दे रहा है। अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोग यहाँ पर जो है बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा है इसमें आपको जो है आपके यूट्यूब चैनल का लोगो ऐड करना है। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर सही तरह से लाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेयर पर जाकर, मीडिया पर जाकर फिर से आपके जो है चैनल का लोगो यहाँ पर जिस फोल्डर में है उसे सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसे सही तरह से साइज में लेके आना है। साइज में लेने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्ले करके दिखता हूँ, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो प्ले करके देखना है आपके सही तरह से आया है कि नहीं, आपको इसे अच्छी तरह से एडिट कर लेना है। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आपको कर लेना है। अभी जो है मेरा जो यहाँ पर सही जगह पर अभी दिखा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से आपके चैनल के लोगों पर क्लिक करना है, आपके लोगों पर यूट्यूब चैनल के। उसके बाद फिर से आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको फिर से ब्लेंडिंग का ऑप्शन पर जाकर इसे भी आपको स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपके जो है चैनल के लोगों पर एनिमेशन ऐड करना है। उसके लिए दोस्तों फिर से आपके चैनल के लोगों पर क्लिक करना है। उसके बाद साइड में आपको एनिमेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन पर फीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से आपको बैक हो जाना है। आपको यहाँ पर आउट एनिमेशन भी लगाना है। आउट एनिमेशन लगाने के लिए दोस्तों आपको फिर से आउट एनिमेशन पर क्लिक करना है। सेकंड ऑप्शन पर आपको फिर से रख देना है यहाँ पर फीड। उसके बाद आपको इसे टिक कर देना है। मैं अभी आप लोगों को प्ले करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग अभी जो है मेरा इंट्रो किस तरह से दिखाई दे रहा है, देखिए दोस्तों आपके सामने प्रोफेशनल तरीके से दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है लास्ट में बच गया इसे आपको कट कर देना है इस तरह से। यहाँ से लेकर मैं कट कर देता हूँ, इस तरह से आपको इसे कट कर देना है। तो दोस्तों
कट कर लेने के बाद दोस्तों आपने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऑडियो मिल जाएगा, उसी लिंक पर ऑडियो को भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ऑडियो पर जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्ले करके दिखाऊंगा सुना के। तो दोस्तों आप लोगों को किस तरह से सुनाई दिया सुन सकते हो आप लोग, इस तरह से आप जो है एक गेमिंग इंट्रो बना सकते हो प्रोफेशनल तरीके से। उसके बाद दोस्तों आप इसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर HD फुल HD या फिर नॉर्मल जिस साइज में आप डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से दोस्तों आप अपने मोबाइल से एक प्रोफेशनल तरीके से गेमिंग इंट्रो बना सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बने रहिए।